प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आओ विष्णु, थोड़ी देर बैठो, फिर तुमसे बात करता हूं। जी साईं। प्रणाम काका। खुश रहो खुश रहो। बच्चों सही दाना खाओगे? पंडित जी, अब ये सटका इस पात्र में डालिए और फिर बाहर निकालिए। ऐसे नहीं पंडित जी, सटके के साथ पूरा पानी बाहर आना चाहिए। एक बार फिर से डुबोइए। लेकिन साईं ये कैसे संभव है? एक बार कोशिश तो कीजिए। फिर से कोशिश कीजिए पंडित जी। एक बार फिर कोशिश कीजिए। लेकिन साईं ये मुमकिन ही नहीं है, सटके में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पानी को अपने में समा सके। यही बात तो आपको समझनी है पंडित जी, फिर आपकी बेचैनी और अधूरापन दोनों दूर हो जाएंगे। पंडित जी, मान लीजिए ये पात्र पूरा विश्व है, ये पानी इस विश्व में समाया हुआ ज्ञान, और ये सक्का मतलब आप। आपने अब तक उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है जितना कि इस सक्के पर पानी की बूंदें हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। ये अहम और खुद को दूसरों से बड़ा समझने की भावना ही है जो आप में बेचैन और अधूरेपन का एहसास पैदा कर रही है। विष्णु जी साईं। यहाँ बैठो। जी पंडित जी, ये विष्णु है, ये आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से कुछ किताबें पढ़ी है इसने। इससे पूछिए कि क्या ये आपकी तरह बेचैन है? विष्णु जी, क्या तुम्हें अधूरापन महसूस होता? बिल्कुल नहीं साई। हाँ, जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं खुश रहता हूँ, सुकून से सो पाता हूँ। लेकिन कैसे? क्योंकि पंडित जी, इसने अहम को छोड़कर अपनों को पढ़ा है। अक्षरों की जगह प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है। जितना पाया है उतना बांटा भी है इसने, इसीलिए आज ये संतुष्ट है। पंडित जी, आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, समाज में किसी के साथ लेना देना नहीं रखा, इसीलिए आज आपको अकेलेपन की अनुभूति हो रही है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, घर जाइए और अध्यात्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए। अहम को त्याग कर प्रेम को अपनाइए, अपना ज्ञान बांटिए, लेकिन अपने पन से।
राम जी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। जितना सुना था वो सब कम था आपके बारे में। इतनी सहजता से इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। जो बात इतने वेदों इतने ग्रंथों का अध्ययन करके भी नहीं समझ पाया वो आपने इतने कम शब्दों में समझा दिया। इतने सालों में पहली बार लग रहा है जैसे मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, लेकिन मैं यही जानता हूं कि जहां प्रेम है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी, आप में प्रेम भाव जागा और भगवान ने दर्शन दे दिए। मैं सब समझ गया साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। मैं चलता हूं साईं। और साथ साथ हम बच्चों को भी दोहे का अर्थ समझ आ गया साईं। पंडित वो नहीं जिसने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया हो, पंडित वो है जिसके मन में सबके प्रति प्रेम हो। जिसने सच्चा ज्ञान पाया हो वही सबसे सच्चा प्रेम भी कर सकता है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी जानता है कि तेरा मेरा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब मनुष्य से उपजे भेदभाव है। असली ज्ञानी जानता है कि सब एक है, सब एक समान है, क्योंकि सब उस परमात्मा के अंश हैं। साईं, इस साल की फसल का हिस्सा आपके लिए लाया हूं। आपके हाथों शिरडी के आसपास के गांव के जरूरतमंदों में बट जाए, बस यही इच्छा है हमारी। विष्णु, तुम हर साल बिना चूके अनाज दे जाते हो, लेकिन ये तुम्हारे घर वालों को मंजूर है ना? साईं, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने जीवन के प्रति थोड़ी गंभीरता दिखाए, वो मेहनत करे, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान भी करे। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे पूरी तरह नहीं समझता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि एक दिन वो पूरी तरह मुझे समझेगा भी और मेरे रास्ते पर चलेगा भी। विष्णु, धूप बढ़ रही है, इससे पहले कि इसकी आंच बढ़े तुम घर चले जाओ। चलता हूं साईं। अनाज अंदर रख देना। जी मालिक। साईं, आपने अभी विष्णु काका से जो कहा उसका क्या अर्थ है? इतने सालों से मोहन ने कुछ नहीं कहा तो अब कुछ क्यों कहेगा?
कोई बात है क्या साईं? केशव, जिस दिए से दुनिया रोशन होती है उस दिए के नीचे अंधेरा होता है। अरे रे, कितनी दया आती है इस बेचारे पे। उनसे कुछ कह रहे हो? हाँ, हम बस तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत देखकर बहुत दया आती है। ऐसा बाप जो अपने बच्चे से ज्यादा नौकर का ध्यान रखता है, कैसे झेलते हो उसको? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुझे पता नहीं क्या हुआ? अरे, तेरे पिताजी ने पूरे 2 एकड़ की जमीन उस पांडुरंग को दे दी और तुझसे पूछा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। आज ही चौड़ी में कुलगंडी सरकार के सामने कागज बने। सरकार ने कहा भी, विष्णु ऐसा मत करो, लेकिन तुम्हारे पिता तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। बड़े खुदगर्ज हैं जो अपनी महानता दिखाने के लिए तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। मेरे पिताजी दानी जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं, समझे? मोहन, क्या सोच रहे हो बेटा? मैं सोच रहा हूँ कि इस बार अपने खेत में काजू के पेड़ भी उगाए। सुना है बड़े महंगे बिकते हैं काजू। काजू को पानी चाहिए, यहाँ लगाना मुश्किल है बेटा। और वैसे भी उस जमीन में क्या उगाना है ये पांडुरंग तय करेगा। तेरे पिताजी ने पूरे 2 एकड़ की जमीन उस पांडुरंग को दे दी और तुझसे पूछा भी नहीं। क्या हुआ बेटा? वो जमीन सिर्फ आपकी नहीं थी बाबा। बेटा, सिर्फ कहने के लिए बेटा हूं, सिर्फ कहने के लिए। क्या कभी आपने मुझे अपना बेटा माना है? हमारी जमीन मुझे बताए बिना आपने दे दी? थोड़ा सा टुकड़ा भी अपने लिए नहीं रखा? आप तो यही कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के हक, लोगों की जरूरत दिखाई देती है आपको। अगर अपने बेटे के हक, अपने बेटे की जरूरत, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? हमारी छोड़िए ससुर जी, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारी साहूकारी से घर तो चल सकता है ना। और आपके बाद फिर क्या? बेटा, एक बाप होने की हैसियत से जो कुछ भी तुम्हारे लिए चाहिए वो सब कुछ किया मैंने। तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छा जीवन, अच्छे संस्कार दिए, तुम्हें काम करने के लायक बनाया। यहाँ एक बाप की जिम्मेदारी खत्म होती है। मेरे बाद तुम्हें अपनी जीविका के लिए खुद प्रयास करना होगा। सच कहूँ तो इसलिए भी मैंने वो कदम उठाया कि अगर वो जमीन हमारे पास रही तो तुम खुद के लिए कुछ भी करने का प्रयास नहीं करोगे। तुम्हें संभलने की जरूरत है मोहन। इस दान पुण्य ने ना आपका दिमाग खराब कर दिया बाबा। कोई भी आपको अपना दुखड़ा सुना देता है और आप हमारी संपत्ति उसे दान दे देते, वो भी हमसे पूछे बिना। हमारी नहीं बेटा, मेरी संपत्ति। मैंने अब तक जो कुछ भी दान किया है वो मेरी कमाई थी, लेकिन उसका उत्तराधिकार मेरा था, मेरा हक था। हक उसका होता है जो अपनी जिम्मेदारी को समझे, उसका नहीं होता जो उस जमीन का आज तक मुंह नहीं देखा हो, उसे सींचने के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाया हो। हाथ नहीं बढ़ाए तो क्या हुआ? वारिस तो मैं ही हूं ना, मैं कुछ नहीं जानता। वो जमीन मुझे वापस मिलनी चाहिए। आप उस पांडुरंग को बुलाइए और उससे जमीन वापस मांगिए। ये संभव नहीं है। तो आपका भी इस घर में रहना संभव नहीं है। आज से आपको और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये एक छत बचा है हमारे पास, आप यहां रहे तो ये भी किसी को दान में दे देंगे। हाँ, माना कि जमीन आपकी कमाई हुई थी, ये
ये घर दादाजी का है और इस पर मेरा भी हक है। जमीन तो हाथ से चली गई, अब ये घर मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, इसलिए निकल जाइए यहां से। और अगर आप नहीं गए तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, अदालत तक घसीटूंगा आपको। मोहन, तुम खानदान का नाम अदालत में घसीटोगे? बहू, तुमको इसे समझाओ। मैं इनसे क्या कहूं, मुझे भी तो अपने बच्चे के बारे में सोचना है। अदालत में ये आपको ले जाए ये सही नहीं होगा, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। इसमें आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी। अब ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन मैं जाऊंगा कहां? क्यों, समाज के लिए आपने इतना कुछ किया, अब उस समाज से कहिए आपके लिए कुछ करने के लिए। तुम क्या समझते हो, मैं इस छत के लिए यहां रहता हूं? नहीं, मेरा घर तुमसे है, अनसुईया से है। हाँ बेटा, घर तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन परिवार मिलेगा, परिवार भी आपको समाज में ही मिलेगा। चलिए चलिए आप। बेटा बेटा, क्या हुआ साईं? पैसा मां, जिस पेड़ को सींच के बड़ा करो, वो अगर माली को छाया की जगह कांटे देने लगे तो दुख तो होता है। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये एक छत बचा है हमारे पास, आप यहां रहे तो ये भी किसी को दान में दे देंगे। जिस तरह इंसान अपने दुख दर्द का जमा खर्च का हिसाब रखता है, ठीक वैसे ही भगवान इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को अच्छाई से सींचना बेहद जरूरी है। आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे इंसान की कि कैसे उसके कर्म उसके तारणहार बने। एक किसान ने अपने घर के आंगन में आम का बीज बोया।
उसे लगातार खाद और पानी देता रहा। समय बीतता गया और वो आम का पेड़ भी बड़ा होता गया। जब पिताजी आपने परोपकार में सारा धन लुटा दिया, अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। साई, मैं सबका सहारा बना, फिर मेरे साथ इस बुढ़ापे में ऐसा क्यों हुआ? असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है तू। पेड़ है जिसे तुमने जवानी में लगाया है और देखो आज ये तुम्हारी छांव बन खड़ा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई बिल्कुल प्राण वायु की तरह होती है। प्राण वायु हमें दिखती नहीं है लेकिन वो जिंदगी प्रदान करती है। सही वक्त आने पर इंसान की अच्छाई भी यही काम करती है। जहां से सब कुछ खत्म होता है वहां से उसे जिंदगी देना शुरू कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ के जल जाने पर अगर उसकी जड़ सलामत है तो फिर नया जीवन उगता है। इंसान के अच्छे कर्म भी कभी ना कभी लौट कर वापस आते हैं। के अच्छे कर्म भी कभी ना कभी लौट कर वापस आते हैं। ये आज का प्रवचन था। राम जी भला कर। आज की कहानी को अपने मन में अंकित करके रखना। कर्मों का फल जरूर मिलता है, कर्म बुरे हो
या अच्छे, फल उनके अनुसार जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल। लगता है आंधी आने वाली है विष्णु, अब तुम्हें जाना चाहिए। साई, लेकिन कहां जाऊं? धर्मशाला में जगह है, अब तुम्हें वहां जाना चाहिए। विष्णु भाव, चाहे तो मेरे घर भी। नहीं श्यामा, विष्णु का धर्मशाला में रहना ही ठीक होगा। ठीक है साईं, आप जैसा कहें। साईं ने भी मुझे जाने को बोल दिया, मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। ये कैसी परीक्षा है मेरी? साईं, तुमने विष्णु जी को जाने के लिए क्यों कहा, वो भी ऐसी मुश्किल घड़ी में? बहुत भूख लग रही है, भाकरी और भाजी खाने का मन कर रहा है। मैं बना दूंगी। नहीं भाई सामान, आज ये खाना मैं ही बनाऊंगा। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। किसी को अगर खरोच भी लगे तो साई खाना पीना छोड़ देते हैं। आज विष्णु जी के साथ इतना कुछ हो गया और साई खाना बना रहे हैं। मैं भी वही देखना चाहती हूँ कि ये साई की कौन सी नई लीला है। खाना खा लो। नहीं, आंधी आने वाली है और अभी तक अजूबा घर नहीं आया है। बाबा आप उन्हें ढूंढने जाइए ना। गौतम बेटा, अजूबा कुछ दिनों के लिए बाहर गए। लेकिन वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते, तो आज कैसे चले गए? उन्हें कुछ जरूरी काम था गौतम, तुम खाना खा लो। काम होता तो कल ही बता देते मुझे, मैं उनके बिना सो नहीं पाता हूँ। और वो भी मेरे बिना खाना नहीं खाते। मुझे डर लग रहा है, अजूबा कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है, अब मैं उन्हें ढूंढना चाहिए। गौतम खाना खाओ चलो। मुझे अजूबा चाहिए तो अभी चाहिए। मैंने कहा ना नहीं है वो, और ना ही वो वापस आएंगे। उनके बिना सोने की आदत डाल दो, अब नहीं रहेंगे वो यहाँ इस घर में हमारे साथ। तो कहाँ रहेंगे? कहीं भी रहे, हमें उससे क्या। तुम खाना खाओ चलो। नहीं, मैं अजूबा के बिना नहीं खाऊंगा। जिद करेगा तू मेरे साथ? ओ, क्या कर रहे आप, बच्चा है आप। बुरे बाबा हो, मैं जा रहा हूँ अपने अजूबा के पास। गौतम रुको, गौतम सुनो। इतनी आंधी में वो बाहर चला गया है। गौतम रुको।
लेकर तुम कहीं जा रहे हो? धर्मशाला। विष्णु भूखा होगा पायसामा। साई, मैं दे आऊंगा। ये मौसम भी अचानक खराब हो रहा है, ऐसे में तुम्हारा जाना? बाईजामा, कुछ भी अचानक नहीं होता है। जब किसी अच्छे इंसान के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले प्रकृति जवाब देती है। हो सकता है मौसम का बदलना जरूरी हो ताकि लोगों की सोच बदल सके। ये कैसी लीला है तुम्हारी? जब तुम्हें विष्णु जी की इतनी चिंता है तो उन्हें जाने क्यों दिया? वो यहां रह सकते थे या फिर मेरे घर। क्योंकि विष्णु को मदद या एहसान नहीं, उसका हक मिलना चाहिए। जो उसे यहां रहकर नहीं, बाहर रहकर ही मिल सकता है। ये खाना देख रही है भाई साहब, ये उसी अनाज से बना है जो विष्णु ने दिया था। विष्णु ने दान करते वक्त मुझसे कहा था मैं उसे जरूरतमंदों को दे दूं, और आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूं। पास जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चलता हूं साई। नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हें घर पर होना चाहिए। साई, लेकिन मेरे अजूबा। गौतम, तुम्हारा अजूबा से मिलना ज्यादा जरूरी है या अजूबा का हमेशा के लिए घर आना? उनका हमेशा के लिए घर आना साई। तो तुम घर जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे अजूबा जरूर घर लौटेंगे। गौतम, मेरा एक काम करो। प्रणाम साईं। कितनी रात गए, वो भी इतनी बरसात में?
अच्छा लगा विष्णु कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी नेक दिली अभी जिंदा है। यही तो बचा है मेरे पास, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन साईं, आप मेरे लिए ऐसे मौसम में क्यों आए हैं? तुमने भी तो अपना कष्ट ना देख के उनकी मदद की विष्णु, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, बैठो। आपने देखा साईं, पिछले 8 सालों से जब जब मैं खाना खाने बैठा हूं, पहला निवाला मेरे पोते ने खिलाया है। मैं उसके बिना नहीं खा पाऊंगा साईं, नहीं खा पाऊंगा। इसे गौतम ने स्पर्श किया है, उसका प्यार इसमें मिश्रित है, और मेरा भी। क्या आप भी नहीं खाओगे? अब तो मैं जरूर खाऊंगा साईं। साईं, मेरा गौतम कैसा है? गौतम, गौतम कहाँ चला गया? गौतम कहाँ चला गया? अंदर है वो? नहीं, अंदर तो नहीं है। मैंने उस तरफ देखा, वहां पर भी नहीं, इधर भी नहीं है। गौतम कहाँ चले गए थे? हाँ, आजोबा को ढूंढते ढूंढते खो गया था। साई ने एक दादा से कहकर घर छुड़वाया। अरे, इसका बदन तो गर्म है। क्या? लगता है इसे बुखार चढ़ रहा है। मैंने मना किया था ना, रुके क्यों नहीं? अब जाने दीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसे समझाऊं इसे? मैं जो कर रहा हूं अच्छे के लिए कर रहा हूं। गौतम को भी तुम्हारी उतनी ही याद आ रही है जितनी तुम्हें उसकी। आपने कहा था कि अच्छे कर्म घूम कर वापस आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साईं। लेकिन साईं, ऐसी नौबत ही क्यों आई? मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद की है। मैं चलता भी हूं तो नीचे देख देख कर चलता हूं, ताकि मेरे पैरों तले कोई चींटी न कुचल जाए। तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों साईं? आज मैं अकेला क्यों हूं? विष्णु, किसने कहा कि तुम अकेले हो? बाहर देखो, इतनी रात में, इतनी बारिश में चलते हुए कहाँ जा रहे हैं साईं? जिसकी वजह से आज तक इस गांव के कई घरों के चूल्हे जले हैं, वो विष्णु आज अपने घर से बेघर हो चुका है। विष्णु भाव बेघर? ये कैसे हो गया साईं? आप तो जानते हैं ना,
मुझे काम शुरू करने के लिए उन्होंने ही पैसे दिए थे। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं की कृपा से है। उन्होंने ऐसे समय में मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ साईं। मैं भी साईं। तुम गौतम को घर छोड़ो और तुम बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर लो, और जो भी विष्णु की मदद करना चाहे उन्हें साथ ले आओ। जी साईं। क्यों अन्याय किया है आपने हमारे साथ? अन्याय और क्या, जब आपने दिया तो अपना बना लिया, और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने एक बार भी नहीं कहा। हम सबको पराया कर दिया आपने। आज आपके कारण ही हमारे सर पर छत है, घरों में अनाज है, और आप यहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं। इस गांव में कम से कम 20 घर आप ही के हैं मालिक, क्योंकि वो आप ही की कृपा से बने हैं। आप जब चाहे पूरे हक से वहाँ आकर रह सकते हैं। हम आपको इस धर्मशाला में नहीं रहने देंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले जाने आया हूँ। नहीं, आप मेरे घर चलिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। हाँ मालिक, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए, आप हमारे घर चलिए। मालिक, आपने सालों साल हमें आर्थिक सहायता दी है, जिससे हमारे बच्चे पले बड़े और शिक्षित हुए हैं। उन सभी को आपकी सेवा करके कुछ पुण्य कमाने दीजिए। विष्णु, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तुम्हारी नेकी के सिवा कुछ भी नहीं है। नेकी तो जरूर है, लेकिन क्या तुम शिरडी के सबसे अमीर इंसान नहीं हो? आप सबने मेरे लिए इतना कहा, बस यही बहुत है, लेकिन मैं आप सबकी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहता। आओ विष्णु। पानी को देख रहे हो? से तुमने क्या सीखा? सीखा मतलब? मतलब तुमने चींटी की ओर जब लकड़ी बढ़ाई, तब चींटी ने क्या किया? वो इस लकड़ी पे चढ़ गई। अगर वो नहीं चढ़ती तो तुम्हारी मदद का कोई फायदा नहीं होता। मतलब वो चींटी सिर्फ तुम्हारी मदद के कारण बच पाई, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसने तुम्हारी मदद स्वीकार की। मदद करना जितना जरूरी है, सही समय पर मदद लेना भी उतना ही जरूरी होता है। आप सबने मेरे लिए सोचा, आगे आए, इसके लिए मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूंगा। नहीं मालिक, अपने परिवार के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं। आप मेरे घर चलिए। कर भला सो हो भला। आजुबा
का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, कुलकर्णी सरकार को दिखा ले। कुलकर्णी सरकार गांव में नहीं है और होते तो भी इतनी बरसात में नहीं आता। साई? नहीं, साई के पास जाएंगे तो उपचार नहीं उपदेश देंगे कि तुम अपने पिता को घर वापस ले आओ। तुम्हें तो पता है बाबा साई के कितने प्रिय हैं। मुझे लगता है हमने ससुर जी को निकाल के ठीक नहीं किया है। गौतम को ठंड तो लग ही गई है, ऊपर से मानसिक तनाव ने इसको ज्यादा बीमार कर दिया है। अब तुम भी उपदेश देने लगी? क्या चाहती हो, ये छत भी हमसे छीन ली जाए, फिर बचा लेना गौतम को ऐसी बरसात से। गौतम कुछ करिए ना। क्या हो गया इस बारिश को, इतना क्यों बरस रही है बिन मौसम की बरसात? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कैसे बाहर जाऊं मैं? गौतम के सासों की गति सामान्य हो गई और ये सो भी गया। We'll be right back.
किया था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। मालिक आप उठ गए, आप स्नान कर लीजिए, मैं नाश्ता। विष्णु साईं अंदर आइए ना। साईं आज नहीं पांडुरंग, आज मैं जल्दी में, आज बस विष्णु को यहाँ से ले जाने आया हूँ मैं। मुझे ले जाने कहाँ जाना है साईं? नीम गांव के गणपति मंदिर में, आज वहां भंडारा है, श्रमदान की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि शिरडी की ओर से हम वो सेवा करें। मालिक कल रात से ठीक से सोए नहीं हैं और इतना सब हो गया, शरीर और मन दोनों को थकान हो गई होगी, मैं चल लेता हूं आपके साथ। नहीं, ये तो बहुत नेक काम है, मुझे करने में खुशी होगी, और फिर थकान कैसी, तुम सबने जो इतना मेरा ख्याल रखा है। साईं मैं अभी स्नान करके आता हूं। विष्णु मंदिर के बाहर स्नान तीर्थ है, वहां नहा लेना, लेकिन अभी हमें जल्दी जाना है। साईं आप और मालिक पहले नाश्ता कर लीजिए फिर चले जाइएगा, भोजन भंडारे में हो जाएगा, हमें तुरंत निकलना है। चलो विष्णु। ठीक है साईं। साईं इतनी जल्दी में क्यों है? गौतम का बुखार जा ही नहीं रहा है, जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए ना। वैद्य पैसे मांगेगा अनुसुया, और हमारी तिजोरी ना जाने इस मलबे के नीचे कहां दब गई है, उसे निकालना होगा ना। उसमें ना जाने कितना समय लगेगा, तब तक गौतम की हालत ना जाने कितनी बिगड़ जाए, जल्दी से कुछ कीजिए ना। जेब में एक पैसा नहीं है अनुसुया, तिजोरी के बगैर ना तो यह घर खड़ा होगा और ना इसका इलाज, ढूंढना तो पड़ेगा ना। मेरी मानिए हमारे पास इतना समय नहीं है, किसी पड़ोसी से मदद ले लेते हैं ना, और नहीं तो किसी वैद को मनाइए ना, वो बाद में पैसे ले लेगा। कोई नहीं मानेगा अनुसुया, कोई नहीं मानेगा, हमारे पड़ोसियों को तो तुम जानती हो, उनसे मैं मदद मांगने जाऊंगा उल्टे चार बातें मुझे सुनाएंगे कि कैसे हमने बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। मैं कल रात से यही सोच रही हूँ कि जब से आपके बाबा गए एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, मुझे तो विश्वास हो गया है कि हमसे जरूर कोई बड़ी भूल हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। जब तक आपके बाबा थे हम पे कोई संकट नहीं आया कभी, याद कीजिए आप, अगर बाबा होते तो वैद्य भी होता और उसको देने के लिए पैसे भी होते। लेकिन बाबा नहीं है यहाँ, और उनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, हमें अपना ध्यान अब खुद रखना होगा। इतने सालों में हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही किसी से कोई खास रिश्ता जोड़ा, अब हमारी मदद कोई क्यों करेगा। देखा सब कैसे जल्दी जल्दी निकल गए, ये सोचकर कि मैं कोई किसी से मदद ना मांगू, खुद गर्ज मतलब ही। इनमें से हर किसी की बाबा ने कभी ना कभी मदद जरूर की होगी, और आज
हाँ जब मुझे मदद की जरूरत है तब ये मानता हूँ ये लोग मुझसे नाराज है, मगर गौतम की हालत तो देख रहे ना, कम से कम उसके लिए तो रुक सकते थे ये लोग। यही समझाता था मैं बाबा को, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, बाबा के दान पुण्य किसी काम के नहीं निकले, इससे तो ये अच्छा होता कि वो पैसे बचा के रखते ताकि ऐसे मुसीबत के वक्त हमारे काम तो आते, लेकिन बाबा ये कहां स्वीकार करेंगे, इसलिए हम उनके बिना ही अच्छे। पांडुरंग काका, विष्णु काका कहां है? वो तो अभी साईं के साथ निमगांव के मंदिर गए हैं, क्या हुआ? कल रात के बारिश में उनके घर का एक हिस्सा ढह गया और उनके पोते की तबीयत भी खराब लग रही थी। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें रोकता हूं। चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए साईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक को तबीयत खराब लग रही हो और उन्होंने बैलगाड़ी कर ली हो? खैर मुझे जाना चाहिए। आप सब यहां? तुम्हारी मदद करने आए। जब इन सबने देखा कि तुम्हारे घर की क्या हालत हो गई थी, तब ये सब चंदे घर जाकर फावड़े और औजार लेकर आए ताकि मलबा हटाया जा सके। चिंता की कोई बात नहीं है छोटे मालिक, हम सब साथ हैं, देखते ही देखते घर वापस खड़ा कर देंगे, पहले से भी अच्छा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मजदूरों को देने के लिए। पैसे कौन मांग रहा है? यहाँ जो भी मदद करने आए हैं उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ सब इसलिए आए हैं कि आपके बाबा ने कभी न कभी हम सब की मदद की है, वो भी बिना मांगे। जब उनके अपने घर में मुसीबत आई तो हम सब का अधिकार है और कर्तव्य भी कि हम सब मदद करें। समय गांव में ना तो कुलकर्णी सरकार है ना ही साईं, इसलिए पास के गांव से बैद जी को लेकर आया हूं। लेकिन बैद जी, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। आपके बाबा ने मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे दिए थे, मैं भला पैसे कैसे ले सकता हूं इलाज के? आपसे नहीं चाहिए पैसे। चलिए काम शुरू करते हैं, मालिक के आने के पहले घर तैयार करना होगा। हाँ, जिनके कारण हमारे घर बने हैं उनके घर की हालत ऐसे नहीं देख सकते हम।
चलिए। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है, झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हर का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। चोरी चकारी काले धंधे, विष के वृक्ष है जान ले बंदे, अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हर का नाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। पंगत है साईं, सबका भोजन हो चुका है। सिवाय तुम्हारे विष्णु। भोजन से तो केवल भूख दूर होती है, लेकिन सेवा तो आत्मा को तृप्त कर देती है। एक और सेवा पूर्ण हुई है तुम्हारी विष्णु। अब मंदिर की ओर देखो और आंखें मूंद कर बाप्पा को प्रणाम करके अपनी मनोकामना मांगो। क्या मांगना है सोचा है ना? वही जो हमेशा मांगता हूं, सब सुखी रहें, रोग मुक्त रहें, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई दुख का भागीदार ना बने। आज भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगोगे विष्णु? कोई बात नहीं, अगर सबके लिए मांगोगे तो ईश्वर तुम्हारी झोली भी भर ही देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। था, आप कहां चले गए थे? क्या हो गया था तुम्हें? अब कैसे हो? ठीक हूं। आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा कह रहे थे कि आप घर नहीं आएंगे। मैं आपको ढूंढने भी गया था, आप घर आ जाइए ना। नहीं गौतम, मैं घर नहीं आ सकता। सारी दुनिया को दान देते हैं, मुझे दान में माफी नहीं दे सकते। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, लेकिन आज समझ में आया कि
कि आपने कितना कुछ कमाया। हाँ बाबा, आपके जाने के बाद तुम खाना खाओ, चलो। नहीं, मैं अजोबा के बिना नहीं खाऊंगा। जिद करेगा तू मेरे साथ? आओ, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है आप पूरे बाबा हो। मैं जा रहा हूँ अपने अजोबा के पास। गौतम, गौतम कहाँ चले गए थे? हाँ, अजोबा को ढूंढते ढूंढते खो गया था। साई ने एक दादा से कहकर घर छुड़वाया। अरे लगता है इसे बुखार चढ़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, दाम्पत्य में ये फर्ज होता है कि अगर पति गलत रास्ते पे चल पड़े तो पत्नी उसे समझाए, पर मैं ये कर्तव्य नहीं निभा पाई। मुझे इन्हें रोकना चाहिए था, मुझे आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं आपकी दानशीलता को आपकी मूर्खता समझ बैठी। चलो विष्णु, तुम थक गए होगे, पांडुरंग के घर जाके आराम करो। नहीं साई, बाबा का घर ये है, वो यहीं रहेंगे। नहीं मोहन, विष्णु यहां नहीं रह सकता। अगर क्यों साई, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ बदला नहीं है मोहन। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। रुकिए साई, उस पर मत बैठिए, वो टूटा हुआ है, कमजोर है। लेकिन मैंने तो टूटे हुए हिस्से को बांध दिया है। साई, कपड़े से बांधने से क्या होगा, वो अभी भी कमजोर है, आपका बाहर नहीं ले पाएगा। यही कारण है कि विष्णु का यहां रहना ठीक नहीं है। मोहन, माफी मांगना भी किसी टूटी हुई चीज को कपड़े से बांधने के समान है। थोड़ी देर ये जोड़ संभाल भी लेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही भार पड़ेगा वो जोड़ फिर टूट जाएगा। इसीलिए समस्या का समाधान पूरी तरह से करना चाहिए, उसकी जड़ तक जाकर। जड़ तक जाकर मतलब? मोहन, तुम अपने बाबा से नाराज क्यों हुए? क्योंकि वो बिना सोचे समझे दान करते हैं। जैसे उन्होंने हमारी जमीन दान कर दी मेरे बारे में सोचे बिना, गौतम के बारे में सोचे बिना। मुझे लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। कंगाल क्यों?
पैसे कमाने के और भी तो जरिए हैं। हाँ, लेकिन जमीन है तो उसे दान क्यों करना? अब उससे भी तो पैसे आते हैं और अच्छी खासी कमाई है। इनके दानवीरता के चलते तो साहूकारी से भी ठीक ठाक कमाई नहीं होती। मोहन, अगर पैसा ही मुद्दा है तो तुम कुछ काम करके पैसे क्यों नहीं कमाते?